एक बार टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया एक जंगल में रहती थी। वह बहुत अच्छी लेकिन एक गरीब चिड़िया थी। वह जंगल के पक्षियों को ढेर सारे पैसे से सामान खरीदते हुए देखती थी। हे भगवान, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, मेरे ऐसे कौन से कर्म थे जिससे मैं एक गरीब चिड़िया बन गई हूँ। काश मेरे पास भी ढेर सारा पैसा होता जिससे मैं भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जी पाती। एक दिन भोजन की तलाश में टुनटुनी जंगल में छिपे एक जादुई पेड़ से टकरा जाती है। उसने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि इसमें सुनहरे पत्ते थे जो चमकदार नोट में बदल गए थे। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये क्या, क्या ये पैसों का पेड़ है? मैं हूँ एक पैसों का पेड़, लगा दूँ खुशियों का ढेर। ले लो मुझसे ढेर सारा पैसा और बन जाओ बिल्कुल मेरे जैसा। टुनटुनी चिड़िया तुरंत पैसों के पेड़ से ढेर सारे नोट तोड़ती है और उसे अपने घोंसले ले जाती है। कुछ ही दिनों के बाद टुनटुनी एक अमीर चिड़िया बन जाती है। टुनटुनी की नई नवेली दौलत से हैरान होकर सभी पक्षी आपस में इकट्ठे होकर डिस्कशन करते हैं। वाह टुनटुनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम्हारी किस्मत तो रातों रात चमक गई। टुनटुनी एक भोली भाली चिड़िया थी और उसने उस जादुई पैसों के पेड़ के बारे में सभी पक्षियों को बता दिया। जादुई पेड़ के बारे में चर्चा पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही टुनटुनी अपनी दौलत के लिए खूब मशहूर हो गई। लेकिन हर कोई उसके लिए खुश नहीं था। एक चालाक कौवा कालू टुनटुनी की दौलत देखकर उससे ईर्ष्या करने लगा। टुनटुनी के पास इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है? यह ठीक नहीं है। इस पैसे का बराबर बंटवारा होना चाहिए और मेरे जैसा जिम्मेदार कौवा ही इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। एक रात जब टुनटुनी अपने घोंसले में शांति से सो रही थी, कालू चुपचाप जादुई पेड़ के पास आया और उसने सारे नोट तोड़ लिए और टुनटुनी के घोंसले से भी सारे पैसे लेकर उड़ गया। अगली सुबह टुनटुनी जागी और उसने अपने कीमती पेड़ को गायब देखा तो वो घबरा गई और भयभीत हो गई। अरे नहीं, मेरा जादुई पेड़ कहाँ गया? यह गायब हो गया क्या? परेशान और चिंतित टुनटुनी ने जंगल में बुद्धिमान बूढ़े पेड़ की मदद मांगी। पेड़ जी, मेरे पास एक जादुई पेड़ था जिसने मुझे अमीर बना दिया था, लेकिन किसी ने इसे चुरा लिया है। मैं बहुत सदमे में हूँ। टुनटुनी, ये दुनिया की दौलत अस्थाई खुशी लाती है, लेकिन सच्चा आनंद सादगी और साधारण जीवन जीने में है। मेरी तुमको ये सलाह है कि तुम एक साधारण जीवन जीना शुरू करो, तब तुम ये पाओगी कि तुम्हें रोज सच्ची खुशी मिल रही है। बूढ़े पेड़ की सलाह से प्रेरित होकर टुनटुनी ने दौलत के प्रति अपने जुनून को छोड़ने और सादा जीवन जीने का फैसला किया। जैसे जैसे टुनटुनी ने एक साधारण जीवन जीना शुरू किया, उसने प्रकृति के सच्चे खजाने की खोज की। फूलों के रंग, कोमल हवा और धूप की गर्मी, उसे अन्य पक्षियों के लिए मधुर गीत गाने में भी खुशी मिलती थी। हो सकता है मैंने अपनी दौलत खो दी हो, लेकिन मैंने कुछ और भी अधिक कीमती पाया है, वह है संतोष और खुशी से भरा जीवन। अरे वाह, मैं तो जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन गया हूँ। अब मुझे यह सोचना चाहिए कि मैं इन पैसों से सोने का घोंसला बनाऊं या हीरों का घोंसला बनाऊं। वैसे अब मैं उड़कर भी बहुत थक चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक हेलीकॉप्टर भी खरीद लूँ। अचानक वहाँ जंगल के दो गुंडे लक्खा चील और बागी बगुला आ जाते हैं। मेरा नाम है लक्का, आज तो जैकपॉट है पक्का। अरे ओ कौवे, दे दे ये पैसे का गट्टा, नहीं तो तेरा काम तमाम है पक्का। लक्का चील और बागी बगुला कालू कौवे को लूट कर वहाँ से भाग जाते हैं।
अरे पैसे ने तो मुझे लूट लिया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत दुखी पक्षी बन गया हूँ। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया नाम की एक बुद्धिमान और दयालु चिड़िया रहती थी। उसके कई दोस्त थे और सभी उसे प्यार करते थे। एक दिन जब वह आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी, तो उसने एक कौवे को देखा जो कहीं खो गया था और अकेले किसी पेड़ के नीचे बैठा था। हेलो मिस्टर कौवा जी, क्या तुम कहीं खो गए हो? हाँ मैं कहीं खो गया हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ और घर वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं इस जंगल को अपने पंखों के पिछले हिस्से की तरह जानती हूँ। वाकई यह तो आपकी उदारता है। बेशक, चलो चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने रास्ता दिखाया और कालू कौवा उसके पीछे पीछे चला। उन्होंने कई मील तक उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद कौवे को थकान महसूस होने लगी। टुनटुनी चिड़िया, क्या हम थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं? मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जरूर, हम एक ब्रेक ले सकते हैं। चलो वहाँ चलकर उस पेड़ पर विश्राम करते हैं। जब वे विश्राम कर रहे थे, कौवे ने इधर उधर देखा और देखा कि वे एक जगह के पास थे जहाँ उसने एक खजाना देखा था। कितने दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। टुनटुनी, मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाने की चीज ढूंढने की जरूरत है। तुम थोड़ा आगे चलो, मैं अभी कुछ खाकर तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने कौवे पर भरोसा करते हुए मान लिया और अकेले ही आगे चल पड़ी। कालू कौवा तब तक इंतजार करता रहा जब तक टुनटुनी चिड़िया नजरों से ओझल नहीं हो गई, और फिर वह खजाने की ओर उड़ गया। उसने उस खजाने को ढूंढ लिया और जितना हो सके अपनी चोंच में खजाने को बटोरने लगा। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, यह खजाना अब मेरा है। अचानक शिकारियों का एक समूह आया और कालू कौवा डर गया। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन खजाने का वजन बहुत ज्यादा था और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस खूबसूरत खजाने के साथ एक काला कौवा, आज मुझे दाल में कुछ काला एक का मतलब समझ में आया। मेरा नाम है लक्का, अगर मेरा पेट नहीं भरा होता तो इस कौवे का खात्मा था पक्का। बागी, सारा खजाना अपने कब्जे में ले लो और इस काले कौवे को पकड़ लो। ठीक है बॉस। वैसे तो ये आपका अगला नाश्ता भी बनने के लायक नहीं है, लेकिन हम इससे काम चला लेंगे। शिकारी उस कौवे को पकड़ कर ले गए। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। दिन बीतते गए और टुनटुनी चिड़िया को कौवे की चिंता होने लगी। वह वापस उस स्थान पर आई जहाँ वे अलग हुए थे और जमीन पर कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए पाए। पता नहीं कालू कौवे को क्या हुआ होगा। टुनटुनी चिड़िया जंगल जंगल घूमकर कालू कौवे को एक पिंजरे में बंद पाती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है। मैंने खजाना देखा और सोचा कि मैं अमीर हो सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। कालू कौवे जी, आप बस मुझसे मदद मांग सकते थे, लेकिन इसके बजाय तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया। मुझे पता है और मुझे इसका पछतावा भी है, मुझे खेद है टुनटुनी चिड़िया। कोई बात नहीं मिस्टर क्रो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आइए आपको यहाँ से निकालने का कोई तरीका ढूंढते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुरीली आवाज में गाना गाने लगती है। सुरीले गाने को सुनकर लक्का चील और बागी बगुले को गहरी नींद आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया की योजना काम कर गई और वह कौवे को पिंजरे से मुक्त करने में सफल हो जाती है।
टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। टुनटुनी, मैंने आज अपना सबक सीख लिया है, मैं फिर कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई मिस्टर कालू कौवे जी। चलो वापस, अब हम अपने घोंसले के लिए एक साथ उड़ान भरते हैं। अंत में टुनटुनी चिड़िया ने अपनी दयालु व्यवहार से जंगल में एक बदमाश कौवे को भी अपना दोस्त बना लिया।